समझता हूँ कि गत बार इसी वोट पर हम 2.5 लाख वोट से डिफीट किए थे, लेकिन इस बार 40-42 हजार का अंतर दिखाई दे रहा है, तो लोगों का भरोसा तो निश्चित बढ़ा है। फिर भी संख्या बल है, 22-23 हजार वोट बढ़ जाते तो चुनाव जीत जाते, तो संख्या बल, एक वोट भी किसी को ज्यादा आ जाता है तो निर्वाचित हो जाते हैं। इसलिए हर कोई कोशिश करता है और किसी को जीत मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। हम तो 7वां चुनाव लड़ गए। अर्जुन राय आप सीतामढ़ी में रहेंगे या फिर? मैं तो सब दिन रहता हूँ, मेरा तो जनता के बीच रहने का काम ही है, मैं भागने वाला तो हूँ। जनता के लिए क्या मैसेज है यहाँ से? जनता है, जनता के जनादेश का स्वागत करता हूँ, आज इन लोगों ने वोट दिया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है सर, भविष्य के लिए सर ये बात जानना चाहते हैं, हार के पीछे क्या कारण है? मैं कह रहा हूँ कोई कारण नहीं है, ये तो संख्या बल है। हमको लगता है कई लाख वोट हमको पड़े होंगे और अब तो काउंट होगा तब पता चलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जातीय समीकरण है, धार्मिक बहुत तरह की बातें हैं और जनता विकास बिहार में 1-1.5 लाख से 2 लाख से जीत का आंकड़ा कहीं नहीं आ रहा है, पूरे देश में कहीं नहीं आ रहा है। क्या वजह होगी कि जहां पिछले साल 2019 में 2-3 लाख से जीत होती थी? एनडीए का जनाधार मोदी जी का गिर रहा है, अगले बार साफ हो जाएंगे। अभी कितना आंकड़ा है मुझे पता नहीं है क्योंकि हम तो खुद काउंटिंग में थे, लेकिन देख रहे थे कि इंडिया गठबंधन की भी संख्या तेजी से बढ़ रहा था, तो भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, और झूठ पर लंबे समय चले हैं, आगे फिर जनता मालिक है, विशेष क्या करना है। चलिए।